हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के पार्ट टू वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट वन वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स में हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे कवर किए हैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों के, हम उसमें कवर किए हैं। आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट टू वीडियो। तो एक पाउंड बराबर कितने औस के होते हैं? तो एक पाउंड जो है ये आपके 16 औस के बराबर होते हैं। ठीक है, ये 16 औस के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन की मोहस, ठीक है, मोहस जो है पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो मोहस जो पैमाना है इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपका खनिजों की कठोरता को मापने के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है मोहस पैमाने का। आगे की एक नैनोमीटर डैश मीटर के तुल्य होता है। तो ये पूछ रहा है कि एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर है जो 10^-9 के बराबर होता है। ठीक है, 10^-9 के बराबर होता है। आगे कि एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट के होते हैं? तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। आगे कि फेम्टो का अर्थ 10^ कितना होता है? ठीक है, तो ये फेम्टो का पूछ रहा है कि 10^ कितना होता है एक फेम्टो बराबर। तो 10^-15, ठीक है, 10^-15 के बराबर होता है एक फेम्टो। अगला क्वेश्चन है, देखिए फेम्टो का हम कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। फेम्टो को जो है 10^-18 में लिखते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ऑट्टो को, और फेम्टो को 10^-15 लिखते हैं, पीको को 10^-12 लिखते हैं, नैनो को 10^-9 और माइक्रो को 10^-6 और मिली को 10^-3। ठीक है, ये सभी जो है मीटर होगा। ठीक है, 10^-, पूछेगा कि आपसे एक अट्टो बराबर कितना होता है? तो ये आपका होता है 10^-18 मीटर के बराबर होता है। पूछ देगा कि एक पीको बराबर कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये आप बोलेंगे 10^-12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं इनमें से पूछ रहा है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप का। ठीक है, किसका? पेरिस्कोप का जो है यूज किया जाता है, भाई ये जो है पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है और ये ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। आगे है क्वेश्चन कि पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपरी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए फिर ये पूछा गया है एग्जाम में, ये आपका पेरिस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मीटर जो वाहन की चाल मापता है डैश क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओडोमीटर इंग्लिश में, जिसका हिंदी पथ मापी होता है। ठीक है, जो हम लोग वाहन में जो मीटर प्रयोग करते हैं उसकी चाल मापने के लिए उसका नाम है ओडोमीटर। आगे क्वेश्चन है कि सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो ये जो है किसमें किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है नौ संचालन में। ठीक है, किसमें किया जाता है? नौ संचालन में सेक्सटेंट जो ये उपकरण है इसका प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कुछ सिस्मोग्राफी से क्या मापते हैं हम लोग? तो ये आपका भूकंप की तीव्रता मापते हैं, थर्मोमीटर से ताप मापते हैं और पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं। ठीक है, जो उच्च ताप होता है वो मापते हैं और फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे के एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो इसको मापते हैं हवा की गति। ठीक है, अब क्या मापा जाता है? हवा की गति जो है ये मापा जाता है एनीमोमीटर से। हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये आपका क्या बोला जाता है? एनीमोमीटर बोला जाता है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इजी समझकर इसे न छोड़ें कि इजी है, ये नहीं पूछा जाएगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे।
आगे कि इनमोमीटर किसका मापन करता है, तो इनमोमीटर जो है ये आपका वायु की गति मापता है, ठीक है, वायु की गति को मापता है। देखिए सीएचएसएल में पूछा, सीजीएल में पूछा, ठीक है, और भी एग्जाम में रेलवे में भी पूछा गया है। आगे कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका लैक्टोमीटर है, ठीक है, कौन है ये आपका लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता का जो है माप करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, ठीक है, तो ये किसका हम लोग किससे करते हैं, तो ये आपका करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्कोप से करते हैं कि कोई भी वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, जो है इसकी जांच जो है हम इलेक्ट्रोस्कोप से करते हैं। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडल दाब मापने में किया जाता है, तो आपका किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का, ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। कुछ और जान लेते हैं कि बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ओडोमीटर से पहिए वाली गाड़ी जो होती है उसकी चली गई दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से, और ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, और ग्रेविमीटर से जो है पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है ग्रेविमीटर का। आगे क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब को डैश मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो ये आपका मापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक है, ये बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आगे है कि फिर पूछा है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है, तो ये आपका बैरोमीटर है, ठीक है, बैरोमीटर है। सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापते हैं, तो जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसको जो है हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। कुछ और भी हम देख लेते हैं उपकरण, हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, एक्टिनोमीटर से हम लोग सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करते हैं एक्टिनोमीटर से, एरोमीटर से जो है वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने हेतु जो है प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापते हैं, और टेसियोमीटर द्वारा जो है मृदा की नमी जो है मापने के काम आता है, ठीक है, टेसियोमीटर से मृदा की नमी मापते हैं। आगे की हवा की आर्द्रता को मापा जाता है, तो हवा की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो ये आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता को मापा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर, ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइग्रोमीटर बोला जाता है। वायु की आर्द्रता डैश मापी जाती है, तो जो वायु की आर्द्रता होती है ये आपकी हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है सीएचएसएल में, सीजीएल में, अलग अलग एग्जामों में जो पूछा गया है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कि ये अलग अलग एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। आगे है कि मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है फोटोमीटर से, ठीक है, क्या है ये फोटोमीटर से हम लोग मापते हैं प्रकाश की तीव्रता। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो वर्षा का जो मापन यंत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हाइटोमीटर, ठीक है, हाइटोमीटर बोलते हैं वर्षा मापने के यंत्र को। आगे कि गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो किससे जोड़कर जो है, तो ये आपका श्रेणी में उच्च प्रतिरोध हो, ठीक है, श्रेणी में हो और उसका प्रतिरोध क्या है, उच्च हो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को ये पूछ रहा है, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपका वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में बनाया जा सकता है, तो किस में किससे जोड़कर, तो ये है आपका श्रेणी में किससे, उच्च प्रतिरोध, ठीक है, श्रेणी में
उच्च प्रतिरोध जो है यानी हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज में जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। यूडियोमीटर का उपयोग क्या किसके मापन में किया जाता है, तो जो यूडियोमीटर है ये किसके मापन में किया जाता है, तो यह आपका गैस का आयतन, ठीक है, गैस के आयतन जो है ये मापने के काम आता है। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, तो ब्यूफोर्ट स्केल से ये आपका क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है हवा की गति, ठीक है। ब्यूफोर्ट से क्या मापते हैं हम लोग, हवा की गति मापते हैं। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया, सभी क्वेश्चन हमने इसमें कोई भी क्वेश्चन लिया, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के पूछे हुए, CGL, CHSL, टीयर वन या टीयर टू का, ये सब पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। स्पाइगमो मैनोमीटर दिए गए विकल्प में किसमें जो है रक्त दाब को मापता है, ठीक है, तो जो ये आपका स्पाइगमो मैनोमीटर है ये आपके जो है किसमें जो है रक्त दाब मापता है, तो ये आपका मापता है धमनियों में, ठीक है, धमनियों में जो है स्पाइगमो मैनोमीटर जो है ये आपका धमनियों में जो रक्त दाब होता है ये मापने के काम आता है। आगे की रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है, तो दो जो रक्तचाप मापता है उसको किससे मापते हैं, तो ये आपका स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं रक्तचाप। आगे हम लोग देखते हैं कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ठीक है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का यूज किया जाता है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का जलवाष्प अंश मापते हैं, ठीक है, ये आपका सही है। लैक्टोमीटर तरल विशिष्ट घनत्व, ये आपका गलत है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, ठीक है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि देखिए हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का जलवाष्प मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और एनीमोमीटर से वायु की गति और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है, ठीक है, तो इसमें जो है संवेदी ग्राही क्या है, तो ये आपका है मेकानोरिसेप्टर, ठीक है, मेकानोरिसेप्टर है जो रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित, ये एक संवेदी ग्राही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है, जो कम तापमान को मापता है वो क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है क्रायोमीटर, ठीक है, क्या बोला जाता है, ये क्रायोमीटर बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किए गए काम को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है, जो किए गए काम को मापने के लिए क्या बोला जाता है, तो ये आर्गोमीटर बोला जाता है, ठीक है, किए गए काम को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये आर्गोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कि विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, तो वो उपकरण क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गीगा काउंटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, गीगा काउंटर बोलते हैं। इसके द्वारा जो है अल्फा बीटा गामा का जो है सभी प्रकार के किरणों की जो है ये माप के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है फैदोमीटर, ठीक है, सागरों की महासागरों की जो है ये आपका गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है, जो समय को मापता है उस यंत्र को क्या बोला जाता है, क्रोनोमीटर बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रोनोमीटर बोला जाता है। आगे के भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता और उनके परिमाण को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये हमसे पूछा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे के बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का क्या तात्पर्य होता है, तो जब बैरोमीटर में अचानक जब गिरावट आती है तो इससे क्या पता चलता है कि तूफान आने के संकेत मिलते हैं, ठीक है, तूफान आने के संकेत मिलते हैं।
आगे है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता को मापता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है लूसीमीटर। ठीक है, लूसीमीटर बोला जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के यंत्र को। आगे के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या बोला जाता है, जो विशिष्ट गुरुत्व को मापता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एरोमीटर। ठीक है, एरोमीटर बोला जाता है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए। आगे के हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे, तो इसका जो है कि दूध का विशिष्ट गुरुत्व जो है ये आपका कैसे मापा जाएगा, तो ये मापा जाएगा हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। ठीक है, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके मापा जाएगा। आगे के विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है ओम मीटर का। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए जो है ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। और आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। ओम मीटर से जो हम लोग क्या मापते हैं, ओम मीटर से मापते हैं विद्युत धारा। ठीक है, ओम मीटर से विद्युत धारा, ओम मीटर से मापते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोध मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, और लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।